नमस्कार, मैं वीरेश ठाकुर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ एचपी शिक्षा चैनल पर। तो अभी मौजूद हुए हैं आपके समक्ष हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबर के साथ। तो हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों से जुड़ी हुई एक बार फिर से बड़ी खबर आपके समक्ष लाए हैं। तो ये खबर कर्मचारियों के लिए राहत भरी है, तो तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हिमाचल प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आइए जानते हैं कर्मचारियों से जुड़ी हुई क्या ये बड़ी खबर है। तो 3 जनवरी तक नियुक्त कर्मियों को हायर ग्रेड पे। हिमाचल प्रदेश में 2 साल के राइडर में फंसे कर्मचारियों को दी जाने वाली हायर ग्रेड पे के मामले में बड़ी खबर आई है। मुख्यमंत्री कार्यालय से वित्त विभाग को भेजे गए नोट में रेगुलर के बजाय नियुक्त शब्द प्रयोग किया गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि 3 जनवरी 2022 तक सरकारी विभागों में नियुक्त हो चुके कर्मचारियों को हायर ग्रेड पे मिल सकता है। 3 अप्रैल को अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के कर्मचारी सम्मेलन में हुई घोषणा के अनुसार इसे 3 जनवरी 2022 तक रेगुलर हो चुके कर्मचारियों के लिए माना जा रहा था, लेकिन अब मुख्यमंत्री कार्यालय से वित्त विभाग को भेजी गई सीएम अनाउंसमेंट में नियुक्त शब्द इस्तेमाल किया गया है। हालांकि अभी फाइल फाइनेंस के ब्रांच में है और फाइनेंस सेक्रेटरी से होते हुए यह वापस चीफ मिनिस्टर ऑफिस जाएगी। इसके अलावा यह भी संभव है कि 27 अप्रैल को होने वाली कैबिनेट में इस पर चर्चा भी हो, इसके बाद यह नोटिफिकेशन होगी। राज्य सरकार ने नया वेतन आयोग देने के लिए 3 जनवरी 2022 को पे रिविजन रूल्स की नोटिफिकेशन की थी। इस अधिसूचना में इसी डेट को 2 साल के राइडर के लिए कट ऑफ डेट माना गया था। पिछले वेतन आयोग के दौरान 2011-12 में राज्य सरकार ने पंजाब सरकार द्वारा दिए गए हायर ग्रेड पे को यहां लागू करती बार 2 साल की रेगुलर सर्विस की शर्त लगा दी थी। इसे बाद में राइडर का नाम दिया गया। इसी राइडर के कारण 2016 से लागू हुए नए पे कमीशन में पे फिक्सेशन लो ग्रेड पे पर हो रही थी, इसलिए कर्मचारी हायर ग्रेड पे मांग रहे थे। इनकी मांग को देखते हुए मुख्यमंत्री ने 3 अप्रैल को पेटरहाफ के मैदान में राइडर में फंसे कर्मचारियों को राहत दी थी। इसके तहत 3 जनवरी 2022 तक रेगुलर हो चुके कर्मचारियों को 2 साल की अवधि पूरा करने पर नेक्स्ट सेल में प्लेस करने की व्यवस्था की जा रही थी, लेकिन 3 जनवरी 2022 के बाद रेगुलर हुए कर्मचारी जो इस डेट से पहले सरकारी विभागों में नियुक्त हो गए थे अपने लिए भी हायर ग्रेड पे की मांग कर रहे थे। वहीं अब जिस तरह से मुख्यमंत्री कार्यालय से फाइनेंस को सीएम अनाउंसमेंट कन्वे की गई है, उससे लग रहा है कि इन कर्मचारियों को भी हायर ग्रेड पे का लाभ मिल जाएगा। हालांकि इस बारे में फैसला भी सरकार को लेना है और इसके लिए अधिसूचना का इंतजार भी करना होगा। इसी अधिसूचना में वित्त विभाग राइडर वाले कर्मचारियों के लिए पे कमीशन ऑप्शन की अवधि भी नए सिरे से देगा। हालांकि इससे यह भी साफ हो गया है कि यदि राज्य सरकार ने 3 जनवरी 2022 के बाद भी राइडर की शर्त को जारी रखा तो फिर पे रिविजन रूल्स में भी संशोधन करना पड़ेगा। तो यही थी विशेष खबर कि हिमाचल प्रदेश में 2 साल के राइडर में फंसे कर्मचारियों को दी जाने वाली हायर ग्रेड पे के मामले में बड़ी खबर आई है। तो इसमें जो है 3 जनवरी 2022 तक के सरकारी विभागों में नियुक्त हो चुके कर्मचारियों को हायर ग्रेड पे मिल सकता है। तो यही थी तमाम खबर। तो हिमाचल प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।